Hey guys, welcome back to another video of AKG. भाई साहब, आज ना ऐसे तीन खबरें आपके लिए लेकर के आया हूँ जो आपके फुटबॉल का मार्केट का नॉलेज बढ़ा देगा। केविन डी ब्रुइने हो सकता है मैनचेस्टर सिटी छोड़ करके जाए, क्यों ऐसा है आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये खबर के बाद ना आई एम प्रीटी मच्योर मार्केट कैसे काम करता है फुटबॉल में, आप ये अच्छे से समझ पाओगे। मोर ओवर हम लोग ऑल्सो बात करने वाले हैं जूलियन अल्वारेस का, कि वो मैनचेस्टर सिटी के अलावा अब बार्सिलोना और रियल मैड्रिड से काफ़ी लिंक्ड हो रहा है, क्यों है वैसा आज की वीडियो में वो भी। और एट दी एंड फुटबॉल में टॉप मिडफील्डर्स की लिस्ट निकल करके आई है यूरोप में, तो कौन है टॉप मिडफील्डर यूरोप का आज की वीडियो में उसके ऊपर नजर डालेंगे। पेद्री, गावी, ये कहां स्टैंड करते हैं, इसके ऊपर भी जो है वो एक बार को नजर रहेगी। लेकिन आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक सवाल है। दोस्तों, हमने नेमार की एक डॉक्यूमेंट्री बना करके चैनल पे लगा करके रखी हुई है। दी वीडियो इज फिनिश्ड, एडिटिंग इज फिनिश्ड, अपलोड भी हो गई है, अनलिस्टेड रखी हुई है चैनल पे। हमारा प्लान था उस डॉक्यूमेंट्री को रिलीज करना जब नेमार इंडिया आएगा, तो ऑब्वियसली हाइप रहती नेमार के अराउंड और वीडियो अच्छी चलती। एंड मैं आपको अभी गारंटी के साथ ये लिख करके दे सकता हूँ, जो मैंने मेसी वाली डॉक्यूमेंट्री डाली है ना चैनल पे, ये वीडियो नेमार वाली उस मेसी वाली डॉक्यूमेंट्री से भी लाख गुना बेटर है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ द साउंड डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग। दोस्तों, सो वो मेसी वाले से भी काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ एक वीडियो लिस्टेड बस रखी हुई है चैनल पे, अपन को लाइव करना है। मैं अटका हुआ हूँ मैं कब उसको लाइव करूँ, क्योंकि हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है उस वीडियो को लेकर के। एंड प्लानिंग थी जब नेमार आएगा इंडिया तो करेंगे, लेकिन अब फ्लॉप, नेमार साला इंजर्ड हो गया, तो कब करें उस हाईली एंटिसिपेटेड वीडियो को रिलीज जो वन ऑफ द बेस्ट रहेगी चैनल पे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो प्लीज। दोस्तों, आप लोगों की काफी ज्यादा मदद चाहिए मेरे को इस टॉपिक को सुलझाने के लिए। बाकी वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर है किचन के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट केविन डी ब्रुइने की सिचुएशन एट मैनचेस्टर सिटी। सो आज की इस खबर को समझने से पहले आप लोगों को दो चीज अपने दिमाग में लगा करके रखनी है। नंबर वन, केविन डी ब्रुइने की एज राइट नाउ इज 32 ईयर ओल्ड एंड केविन डी ब्रुइने की कॉन्ट्रैक्ट विद मैन सिटी इज अप टिल 2025। अब देखो, जब 2025 आएगा, जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, तब केविन डी ब्रुइने की एज हो जाएगी 34 ईयर ओल्ड। सो खबर ये है कि मैनचेस्टर सिटी इज नॉट विलिंग टू एक्सटेंड केविन डी ब्रुइने का कॉन्ट्रैक्ट 2025 के बियॉन्ड। क्यों? क्योंकि नंबर वन, केविन डी ब्रुइने की ऑब्वियसली एज हो जाएगी 2025 में। ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 में केविन डी ब्रुइने विल बी 34 to 35 ईयर ओल्ड, और ऐसे ओल्ड मिडफील्डर को अपने टीम में रखना इज नॉट गुड। लेकिन हम अगर मैनचेस्टर सिटी की हिस्ट्री को देखें तो हमने देखा है डेविड सिल्वा को, जो इनके पास बहुत लंबे समय तक थे, विंसेंट कंपनी को, जो इनके पास जो है वो बहुत सारा मतलब बहुत समय तक थे। तो ऐसे ओल्ड मिडफील्डर्स लोगों को रखती है मैनचेस्टर सिटी जो क्लास रहते हैं। लेकिन क्लास तो केविन डी ब्रुइने भी है, लेकिन फिर ऐसा क्यों आ रहा है? तो देखो, मैं आपको बता दे रहा हूं दो रीजन। नंबर वन, केविन डी ब्रुइने को अगर इन लोग 2025 से पहले बेच देते हैं तो ऑब्वियसली वो पैसे दे करके जाएगा। दोस्तों, इन लोग सेम गलती नहीं करना चाह रहे हैं जो गुंडूगान के साथ इन्होंने कर दी। गुंडूगान बार्सिलोना को फ्री में ज्वाइन किया क्योंकि ऑब्वियसली उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, और एक ऐसे एज में आ गया था गुंडूगान की समझ में भी नहीं आ रहा था कि यार कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे भी तो एक आध साल का ही करेंगे, तो उसको कम पैसों में इन लोग कर रहे थे, तो उन लोग को समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करें यार। तो गुंडूगान बोला कि ठीक है, तुम लोग समझते रहो, मैं चला बार्सिलोना। ये सेम गलती केविन डी ब्रुइने के साथ नहीं करना चाह रही मैन सिटी, क्योंकि इनको पता है कि केविन डी ब्रुइने एक ऐसा प्लेयर है जो हमको काफी ज्यादा पैसा देकर के जाएगा। सो उन लोग चाह रहे हैं कि भाई 2025 से पहले ही इसको जो है वो मार्केट में लिस्ट कर देंगे। नंबर वन, पैसा इज द रीजन, और नंबर टू, एज तो मैंने आपको बता दिया। एंड नंबर थ्री इज केविन डी ब्रुइने, अब इनको ऐसा लग रहा है कि इंजरी प्रोन सा है। क्या हुआ कि पिछले सीजन आखिरी के दो महीने केविन डी ब्रुइने ने खुद कबूला है कि वो एक इंजरी के साथ ही खेले। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनका भी रीजन था कि वो भाई UCL जीतना चाह रहे थे, एक ऐसी ट्रॉफी जो उन्होंने कभी नहीं जीती, और मैनचेस्टर सिटी भी जीतना चाह रही थी, तो वो मैनचेस्टर सिटी भी जानती थी कि केविन डी ब्रुइने को इंजरी है, लेकिन फिर भी उसको खिला रहे थे, क्योंकि केविन डी ब्रुइने जैसे प्लेयर को अगर उन लोग बेंच कर देते तो क्या हालत होती मैनचेस्टर सिटी की, वो तुम भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ। दोनों के लिए वो ऑब्वियसली यूजफुल साबित हुआ, बेनिफिशियल साबित हुआ। इंजरी में खेलते हुए केविन डी ब्रुइने ने ट्रेबल जितवा दिया मैनचेस्टर सिटी को, लेकिन वो इंजरी दो महीने में इंजरी में खेलने के चलते ओवर एग्जरेट हो गई, जिसके चलते इस सीजन तुम देख सकते हो केविन डी ब्रुइने इज आउट इंजर्ड फॉर दी सीजन, और वो सीधा अब जनवरी में ज्वाइन करने वाले हैं मैनचेस्टर सिटी को। सो एकदम सीरियस हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद हाउ अ 32 ईयर ओल्ड प्लेयर विल बी रिएक्टिंग टू दैट इंजरी, एक ये भी मन में सवाल है, कहीं वो इंजरी बार बार रिलैप्स ना हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली 32 ईयर ओल्ड को हो गया है। और मैनचेस्टर सिटी में तुम लोग जान रहे हो बहुत ही ज्यादा हाई पावर फुटबॉल इन लोग खेलते हैं, जिसमें आगे पीछे दौड़ना, वो मैं भूल रहा हूँ वो फुटबॉल का एक वर्ड है, वर्क रेट, हाँ, जिसमें काफी ज्यादा वर्क रेट का मांग करता है पेप गार्डियोला। तो वो वर्क
मार्क रेट को एक केविन ब्रुना मिडफील्डर यू नो उस इंजरी के साथ वापस रेप्लीकेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सवाल है मैनचेस्टर सिटी के मन पे। तो इन सब रीजंस के चलते मैनचेस्टर सिटी इज नॉट विलिंग टू एक्सटेंड 2025 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड दे आर थिंकिंग टू सेल हिम ऑफ रेदर इन द नेक्स्ट सीजन या फिर भाई अगले 2024 वाले सीजन में अच्छे पैसों के लिए। और इस सिचुएशन से बहुत सारे क्लब्स ऑब्वियसली जो है वो अपनी नजर बना करके रखेंगे अगर चीप में केविन ब्रुना निकलेगा। बायन भी सोचेगी यार कि थॉमस मुलर का एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट अपन को मिल जाएगा। रियल मैड्रिड भी सोचेगी कि यार यू नो लुका मॉड्रिच टोनी क्रूस के जाने के बाद जूड बेलिंगम के साथ केविन ब्रुना आ जाएगा तो कितनी बेहतरीन हो जाएगी। बार्सिलोना भी सोचेगी कि यार पेद्री गावी को एक कॉम्प्लीमेंट करने के लिए केविन ब्रुना जैसा मिडफील्डर आ जाए तो क्या ही बात हो जाएगी। सो बहुत सारे यूरोपियन क्लब्स का नजर रहेगा कौन से क्लब को जाना चाहिए केविन ब्रुना के लिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली खबर में आ जाते हैं दोस्तों और वो है जूलियन अल्वारेस का लिंकिंग टू रियल मैड्रिड एंड एफसी बार्सिलोना। सो दोस्तों ये लिंक दो रीजन के चलते हो रही है। नंबर वन, जूलियन अल्वारेस इज परफॉर्मिंग रियली वेरी ग्रेट एट मैनचेस्टर सिटी। पिछले सीजन ही हैज स्कोर्ड 17 गोल्स फॉर मैनचेस्टर सिटी, ऑल दो वो स्टार्टर के रूप में कभी भी देखने को अपन को नहीं मिला लेकिन फिर भी ही हैज स्कोर्ड 17 गोल्स। और ये चीज वेरी नोन फैक्ट है कि भाई हालैंड के सामने जूलियन अल्वारेस स्टार्ट तो नहीं कर पाएगा मैनचेस्टर सिटी में भले उसका सीजन कितना भी अच्छा रहे। और अगर जूलियन अल्वारेस को मैनचेस्टर सिटी में ही रुकना है तो वो एक सेंटर फॉरवर्ड बन के ही रह जाएगा, वो स्ट्राइकर नहीं बन करके कैसे कभी भी खेल पाएगा जो वो है। और इसी के चलते आप कह सकते हो देयर आर क्लब्स हु आर इंटरेस्टेड टू बाय जूलियन अल्वारेस। जूलियन अल्वारेस भी ओपन है रियल मैड्रिड भी ज्वाइन करने के लिए और बार्सिलोना भी ज्वाइन करने के लिए। नाउ रियल मैड्रिड का क्यों लिंक आ रहा है दोस्तों, बिकॉज आप लोगों को पता ही है रियल मैड्रिड वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड टू साइन अर्लिंग हालैंड बट एम्बाप्पे के चक्कर में उन्होंने हालैंड को साइन नहीं किया। एंड एम्बाप्पे की भी कहानी अब थोड़ी धुंधली नजर आ रही है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि एम्बाप्पे रियल मैड्रिड में भाई अगले सीजन आएगा ये तो तुम भी जान रहे हो मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ ठोस रिपोर्ट नहीं निकल करके आई है। ऑल दो थोड़ा सा ऐसा खबर आ रहा था कि हाँ ही इज़ नॉट हैप्पी एट पीएसजी बट यू नेवर नो, एम्बाप्पे भाई दो पुंदिया आदमी है कभी भी पलट जाता है कुछ खबर नहीं है। तो पापा पेरेस सोच रहे हैं कि यार हम फिर से गलती नहीं करेंगे, अगर अर्लिंग हालैंड को तो नहीं ला पाए एम्बाप्पे अगर इस सीज़न हमारे साथ गोटीबाजी करेगा तो भाई ऑब्वियसली हम लोग जोसेलू के साथ पूरे सीजन नहीं जा सकते, तो हमको तो चाहिए भाई एक स्ट्राइकर और वो स्ट्राइकर इनको जूलियन अल्वारेस के रूप में नजर आ रहा है। और जूलियन अल्वारेस भी ओपन है रियल मैड्रिड को ज्वाइन करने के लिए, उसको ऐसा कुछ बहुत प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली रियल मैड्रिड में स्ट्राइकर कौन नहीं बनना चाहेगा यार। तो दोस्तों लेकिन एक बात ये है ना जो मेरे ख्याल से बहुत सारे ये जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है मीडिया में वो मिस कर रहे हैं कि भाई जूलियन अल्वारेस का कॉन्ट्रैक्ट मैनचेस्टर सिटी में 2028 तक है और वो केवल 20-22 साल का है। 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट 20-22 साल का प्लेयर जो ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास बनने का जो है वो अपने अंदर क्षमता रखता है, यू ऑल्सो नो आई ऑल्सो नो मैनचेस्टर सिटी चीप में तो जाने देगी नहीं, पैसे तो मांगेगी भाई 70-80-90 मिलियन ही मांग सकती है। तो क्या यहाँ पर रियल मैड्रिड 70-80-90 मिलियन देना चाहेगी जूलियन अल्वारेस के लिए, नहीं ये देखने वाली बात होगी। और जहाँ तक बात रही बार्सिलोना की तो बार्सिलोना में विक्टर रोग आ रहा है, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की है, तो भाई हम क्या कर रहे हैं मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेट्स देखते हैं अगर विक्टर रोग नहीं चला तो फिर शायद बार्सिलोना जूलियन अल्वारेस को जो है वो रेडार में लेने की कोशिश जरूर करेगी और अंशु फाटी को बेचेगी ज़्यादा पैसों में और कुछ पैसे खुद के जेब से निकाल करके लगा करके जूलियन अल्वारेस के ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाएगी कि भाई इसको कैसे ला सकते हैं। अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों और वो है टॉप मिडफील्डर की लिस्ट एंड वो लिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो आज ये टॉप मिडफील्डर की लिस्ट बाहर निकल करके आई है दोस्तों जिसमें मोस्ट वैल्यूएबल मिडफील्डर्स का नाम आ रहा है। नंबर 7 पे है गावी, गावी जो है वो नंबर 7 पे आ रहे हैं दोस्तों और गावी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मेरे को पर्टिकुलरली लग रही है, लेकिन यू नो वॉट ही इज़ ओनली 19 ईयर ओल्ड और बाकी सब इस मिडफील्डर में थोड़े से उम्र में बड़े हैं गावी से भले एक साल, लेकिन है तो थोड़ा सा क्वालिटी वाइज पता गावी को बहुत अंडर रेट किया जाता है मैं ये देख रहा हूँ, बट ठीक है इट्स फाइन, गावी से नीचे भी कामाविंगा है तो ठीक है। नंबर 6 में रॉड्री जो काफ़ी अच्छे मिडफील्डर हैं, रॉड्री की मिसिंग तुम देख सकते हो मैनचेस्टर सिटी काफ़ी ज़्यादा जो है वो करी जिसके चलते रॉड्री ऑब्वियसली भाई एक बहुत ही वैल्यूएबल मिडफील्डर है, हर 100 मिलियन इसकी भी जो है वैल्यू निकाल करके लगाई गई है। नंबर 5 में वलवर्डे, वलवर्डे भी भाई 25 ईयर ओल्ड है, काइंड ऑफ अपने प्राइम पे चल रहा है, अभी रिसेंटली काफ़ी बेहतरीन गोल भी स्कोर किया था, 100 मिलियन इसकी भी जो है वो प्राइस टैग लगाई गई है। डेक्लान राइस इज ऑन नंबर 4, भाई पता नहीं आई नो ही इज़ अ वेरी क्लास मिडफील्डर एंड जब से वो आर्सेनल आया है वो भाई आग लगा रहा है और मैं रेगुलरली आर्सेनल के गेम्स
देख रहा हूँ, बट आई स्टिल फाइंड डेक्लन राइस टू बी थोड़ा सा अबव ऑन दिस लिस्ट. मतलब ये कैसे फोर्थ कैसे है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये कैसे, मतलब हाउ इज दिस अबव, मैं ये मान रहा हूँ. बाकी हिज क्लास, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नंबर थ्री पे है पैदरी, एंड नंबर थ्री पे पैदरी मेरे ख्याल से डिजर्विंग है भाई. ऑल दो एक्शन से आउट रहे हैं, बट जब जब इन रहे हैं हमको पता चला है. और पैदरी डेक्लन राइस से ऊपर क्यों है लोगों के मन में ये सवाल, एज के चलते, एज के साथ वैल्यू भी बढ़ती है. 20 साल का है, 100 मिलियन, इसलिए. नंबर टू पे है मूसियाला. मूसियाला भाई, यू नो व्हाट, ये मेरे को बहुत अंडररेटेड लगता है. हम कभी मूसियाला के बारे में बात नहीं करते हैं. वी ऑलवेज टॉक अबाउट गावी, कमाविंगा, बेलिंगम, पेदरी. मूसियाला बायन उतनी नज़र नहीं आती तो लोग बात नहीं करते हैं. अभी रिसेंटली देखा था कि नहीं देखा था, बायन का गेम जब हुआ था UCL में, मूसियाला एक अलग लेवल पे नज़र आ रहा था दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ. तो मेरे ख्याल से मूसियाला सही जगह पे है, एट दी सेकंड पोजीशन. बहुत ही वेल डिजर्व्ड है भाई मूसियाला यहाँ पे. और इस वैल्यूएशन के चलते एक और रिपोर्ट निकल करके आई कि मूसियाला शायद रियल मैड्रिड या मैनचेस्टर सिटी में से कोई एक क्लब ज्वाइन कर सकता है. इसके बारे में कल की वीडियो में डिटेल में बात करते हैं. और नंबर वन में ऑब्वियसली नन अदर देन जूड बेलिंगम मेरे भाई. इसकी वैल्यू 150 मिलियन दोस्तों. इनक्रेडिबल स्टार्ट एट रियल मैड्रिड, 11 गेम्स में 10 गोल्स 8 गोल्स, पता नहीं क्या कर रहा है भाई, आग लगा करके रखा है. वेल डिजर्व, बस मैं इतने कहना चाहूंगा. तो यही था दोस्तों आज की वीडियो. मैं कमेंट ऑफ द डे नहीं ले पा रहा हूँ यार बहुत दिनों से, कल लेकिन पक्का लूंगा. तो कोई अच्छा कमेंट जरूर छोड़ करके जाना. मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. दिल्ली नेक्स्ट वीडियो मैसेज के समय टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम. डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से. फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ.